हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद जीडी में। और दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त घनश्याम धनगर। और दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके लिए प्रश्न लेकर आया हूं जिनकी संख्या लगभग 50 के आसपास होगी। और दोस्तों, ये प्रश्न 50 से अधिक ही होंगे वैसे देखा जाए तो। और दोस्तों, ये सभी प्रश्न जो हैं ये विजयनगर साम्राज्य से हैं। विजयनगर साम्राज्य पर जितने भी प्रश्न बनाए जा सकते हैं दोस्तों, उस पर ये प्रश्न है। और यहाँ से दोस्तों, हर एक परीक्षा में कम से कम दो प्रश्न तो विजयनगर साम्राज्य पर पूछे ही जा रहे हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो आप बहुत ही ध्यान से देखिएगा, क्योंकि दोस्तों जितने भी यूपीएससी में भी यहाँ से प्रश्न आते हैं, एनडीए, इसके अलावा स्टेट पीसीएस जैसे एमपीपीएससी की बात कर ले हम, और विभिन्न जितनी भी व्यापम है, एसएससी के एग्जाम्स हैं, उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले कहना चाहूंगा कि यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। और दोस्तों, जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का आप यूज करते हैं, वहां पर भी अपने मित्रों के साथ कृपया इस वीडियो को भी शेयर करें। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है दोस्तों कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी। दोस्तों, सबसे साधारण प्रश्न यही है, और कब हुई थी? 1336 में। 1336 में हरिहर और बुक्का नामक भाइयों द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। हरिहर और बुक्का जो है दोस्तों, पहले मुस्लिम बना दिए गए थे मोहम्मद बिन तुगलक के समय, परंतु इनको एक गुरु मिलता है। क्या नाम था गुरु का? विद्यारण्य। विद्यारण्य ने इनको फिर पहल करके हिंदू बनाया था, और फिर इन्होंने तुंगभद्रा नदी के किनारे विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। अगला है, विजयनगर साम्राज्य का सबसे प्रभावशाली शासक कौन था? तो दोस्तों, विजयनगर साम्राज्य का जो सबसे प्रभावशाली शासक था वो था कृष्णदेवराय। कृष्णदेवराय जो है दोस्तों, यहाँ पर चार वंशों ने शासन किया है, उनमें से तीसरे वंश का ये शासक था, और बहुत ही प्रतापी शासक था। अगला है, इसका शासन कब शुरू हुआ? तो दोस्तों, 1509 में इनका शासन शुरू होता है, और 20 वर्षों तक, लगभग 1529 तक इन्होंने शासन किया था। अगला है, कृष्णदेवराय को किन यूरोप वासियों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध थे उनके? तो दोस्तों, कृष्णदेवराय के साथ के संबंध पुर्तगालियों के साथ इस समय थे, क्योंकि दोस्तों 1509 से 29 की बात अगर की जाए तो इस समय केवल एक ही यूरोपीय शक्ति भारत आई थी, वे कौन थे? पुर्तगाली। पुर्तगाली कब आए थे भारत में? तो वे 1498 में ही आ गए थे। अगला है यहाँ पर कि विजयनगर किस नदी के तट पर स्थित है? तो दोस्तों, तुंगभद्रा नदी जो वर्तमान में भी है वहां पर ही है विजयनगर। अगला है, बहमनी राजाओं की राजधानी क्या थी? तो दोस्तों, विजयनगर और बहमनी राजाओं के बीच जो युद्ध चल रहता था, तो बहमनी राज्य की राजधानी थी गुलबर्गा, जो वर्तमान कर्नाटक में है। अगला है, विजयनगर साम्राज्य के अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो दोस्तों, हम्पी, कर्नाटक में वर्तमान में जो हम्पी है दोस्तों, वहां से विजयनगर साम्राज्य के अवशेष मिले हैं। बीजापुर में स्थित गोल गुंबज का निर्माण किसने करवाया था? तो दोस्तों, यहाँ पर गोल गुंबज मोहम्मद आदिल शाह ने बनाया था। अगला है, कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे? तो दोस्तों, कृष्णदेव राय इस समय बाबर के समकालीन थे, क्योंकि 1526-27 में बाबर भारत में आ चुका था, और 1529 तक इनका शासन यहाँ पर था। अगला है, विजयनगर साम्राज्य का पहला वंश संगम के नाम से जाना जाता है, क्यों क्यों जाना जाता है? क्योंकि हरिहर और बुक्का जिन्होंने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करी थी, उनके पिता का नाम क्या था? संगम ही था, और उनके पिता के नाम के कारण ही इनका वंश संगम वंश कहलाया। यहाँ पर चार वंशों ने शासन किया दोस्तों। सबसे पहले कौन सा? संगम वंश। उसके बाद आया सुलुव वंश, फिर उसके बाद आया तुलुव वंश, जो कृष्णदेव राय हैं वे तुलुव वंश से संबंधित है, और आखिरी में कौन आता है? अरविडु वंश। ये चार वंशों ने शासन किया है यहाँ पर। अगला है, हरिहर और बुक्का ने किस संत के प्रभाव में आकर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी? तो माधव विद्यारण्य या गुरु विद्यारण्य जो थे, इनके प्रभाव से इन्होंने इस साम्राज्य की स्थापना की थी। संगम वंश का प्रमुख शासक कौन था? तो दोस्तों, देवराय प्रथम जो है ये सबसे पहला शासक था संगम वंश का, और ये इसी से संबंधित है जो पहला वंश है इससे। अगला है, किस शासक ने तुंगभद्रा नदी पर बांध बनवाया था? तो दोस्तों, देवराय प्रथम जो है इसी ने ये बांध बनवाया था। अगला है, विजयनगर का संघर्ष सदैव किसके साथ रहा? तो विजयनगर का संघर्ष सदैव बहमनी राज्य के साथ बना रहा था, इनके बीच में हमेशा झगड़े चलते रहे। अगला है, विजयनगर साम्राज्य का कौन सा स्थान गलीचा नाम निर्माण के लिए प्रसिद्ध था? तो दोस्तों, गलीचे कालीकट में बनाए जाते थे। आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। अगला है, मीनाक्षी मंदिर कहाँ है? तो दोस्तों, मीनाक्षी मंदिर मदुरै में है, वर्तमान तमिलनाडु में है मदुरै, यहाँ पर मीनाक्षी मंदिर स्थित है। अगला है, चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था? तो दोस्तों, कुली, यहाँ पर कुली कुतुब शाह होगा, कुली कुतुब शाह ने चार मीनार का निर्माण करवाया था। और चार मीनार कहाँ है? तो ये वर्तमान में हैदराबाद में स्थित है। अगला है, गोलकुंडा कहाँ है? तो गोलकुंडा भी हैदराबाद में ही है। गोलकुंडा का एक किला है दोस्तों, गोलकुंडा फोर्ट है। अगला है, हम्पी का खुला संग्रहालय किस राज्य में है? तो दोस्तों, हम्पी का खुला संग्रहालय कर्नाटक राज्य में है, क्योंकि विजयनगर साम्राज्य के जो मुख्य भूमि थी वो कर्नाटक ही थी। किस संगम वंशी शासक को प्रोड़ देवराय भी कहते हैं? तो देवराय द्वितीय जो है दोस्तों, ये प्रोड़ देवराय भी कहलाता है। अगला है, किस शासक के
की उपाधि गज बेतेकर थी। तो दोस्तों देवराय द्वितीय जो है इन्होंने गज बेतेकर की उपाधि को धारण किया था। अगला है, किस विजयनगर सम्राट ने उम्मातूर के विद्रोही सामंत गंगराय का दमन किया था? तो दोस्तों ये कृष्णदेवराय ने किया था, जो तुलु वंश के थे, तीसरे संगम वंश के शासक थे। अगला है, गोलकुंडा का युद्ध किस किस के बीच लड़ा गया था? तो दोस्तों गोलकुंडा का युद्ध कृष्णदेवराय और कुली कुतुब शाह के बीच लड़ा गया था। विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय विशेषता क्या थी? तो दोस्तों विजयनगर साम्राज्य में जो वित्तीय विशेषता थी है, यहाँ पर वित्तीय जो आय का सबसे प्रमुख कारण था वो क्या था? भू राजस्व यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण था। अगला है, अठवण का अर्थ क्या होता है? तो दोस्तों विजयनगर साम्राज्य में भू राजस्व विभाग को ही अठवण कहा जाता था। अगला है, कृष्णदेवराय के दरबार में अष्ट दिग्गज कौन थे? तो दोस्तों यहाँ पर कृष्णदेवराय के दरबार में जो अष्ट दिग्गज थे वे कौन थे? आठ तेलुगु भाषा के कवि थे। और दोस्तों इन अष्ट दिग्गज जो है दोस्तों इनके दरबार में रहते थे और कृष्णदेवराय के दरबार में रहते थे। यहाँ पर एक प्रमुख व्यक्ति था, तेनालीराम का नाम आपने सुना होगा दोस्तों, तेनालीराम बहुत प्रसिद्ध है, ये यहीं पर था। अगला है, शिरकी सुल्तानों के शासनकाल में किस स्थान को पूर्व का सिराज या सिराज हिंद कहा जाता था? तो दोस्तों जौनपुर, वर्तमान उत्तर प्रदेश का जो जौनपुर है वहां के शासकों को शिरकी सुल्तान कहा जाता था, और ये जौनपुर जो है ये पूर्व का सिराज कहलाता था इस समय। अगला है, बहमनी राज्य की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों अलाउद्दीन हसन बहमन शाह, जिसका एक वास्तविक नाम तो हसन गंगू था, परंतु इसने जब बहमनी राज्य की स्थापना करी तो अलाउद्दीन हसन बहमन शाह की उपाधि को धारण किया था। और दोस्तों ऐसा बोला जाता है कि बहमन इसने अपना नाम इसलिए रखा क्योंकि ये एक ब्राह्मण का सेवक था पहले, राजा बनने से पहले। अगला है, कश्मीर का कौन सा शासक कश्मीर का अकबर कहलाता है? तो दोस्तों जैनुल आबिदीन जो है दोस्तों जो शाह मीर वंश का था इसको बोला जाता है कश्मीर का अकबर। अगला है, अमुक्त मालाद नामक काव्य रचना किसने की थी? दोस्तों कृष्णदेवराय जो तीसरे वंश के शासक थे इन्होंने अमुक्त मालाद नामक रचना लिखी थी, अमुक्त माल्यदा भी इसको बोला जाता है। और ये किस भाषा में रचना थी? कृष्णदेवराय ने इसकी रचना किस भाषा में करी थी? तो दोस्तों यहाँ पर तेलुगु भाषा में ये रचना की गई थी। आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। अगला है, कृष्णदेवराय का राजकवि कौन था? तो दोस्तों पेद्दन, अलासनी पेद्दन इनका पूरा नाम था, अलासनी पेद्दन जो है दोस्तों यहाँ पर इनके दरबार के राजकवि हुआ करते थे कृष्णदेव राय के समय में। अगला है, विजयनगर के किस शासक को आंध्र पितामह कहा जाता है? तो दोस्तों कृष्णदेव राय को ही आंध्र पितामह और आंध्र भोज भी कहा जाता है। किस युद्ध को विजयनगर साम्राज्य के शासन का अंत माना जाता है? तो दोस्तों तालीकोटा का युद्ध, सन 1565 में ये युद्ध हुआ था दोस्तों, और इसके दो नाम और हैं, इसको तालीकोटा का युद्ध भी बोलते हैं, बनीहट्टी का युद्ध भी बोलते हैं, और राक्षस तंगड़ी का युद्ध भी इसको बोला जाता है। ये तीनों युद्ध एक ही हैं, 1565 में हुए थे, और इसमें जो दक्षिण भारत के जितने भी बहमनी सुल्तान थे, इसके अलावा जितने भी शासक थे दोस्तों बीदर के थे, इन सब ने मिलकर विजयनगर साम्राज्य को पराजित कर दिया था। तालीकोटा का युद्ध तो 1565 में हुआ, हम देख ही चुके हैं। अगला है, विट्ठल स्वामी का मंदिर किस देवता का है? तो दोस्तों विट्ठल जो भगवान विष्णु का रूप है उनके लिए बनाया गया था विट्ठल स्वामी का मंदिर। शैवों का अजंता किसको कहा जाता है? तो दोस्तों अजंता और एलोरा की गुफाओं में जो विष्णु धर्म से संबंधित चित्र हैं दोस्तों, ऐसे ही शैवों का अजंता कहाँ है? तो लिपाक्षी जो है दोस्तों, लिपाक्षी में जो मंदिर है वो शैवों का अजंता कहा जाता है। वीर पांचाल का अर्थ क्या है? तो दोस्तों वीर पांचाल इस समय अभिजात वर्ग हुआ करता था। अनरम का तात्पर्य क्या है? तो दोस्तों अनरम जागीर को बोला जाता था, जागीरें इस समय अनरम के नाम से जानी जाती थी। अगला है, विजयनगर साम्राज्य में सैनिक विभाग को किस नाम से जाना जाता था? तो विजयनगर साम्राज्य में सैनिक विभाग कदाचार कहलाता था। खानदेश राज्य का संस्थापक कौन था? तो दोस्तों खानदेश राज्य का संस्थापक कौन था? मलिक रजा फारूकी ने खानदेश की स्थापना की थी। तैमूर लंग के आक्रमण के बाद गंगा की घाटी में कौन सा राज्य स्थापित हुआ था? तो इस समय जौनपुर बना था शर्की सुल्तानों के अंतर्गत। अहमदाबाद की स्थापना किसने करी थी? दोस्तों अहमद शाह ने, जो गुजरात में एक शासक था दोस्तों, उसने अहमदाबाद की स्थापना करी थी। वैसे अहमदाबाद का पुराना नाम जो है दोस्तों वो कर्णवती था, कर्णावती इसका पुराना नाम हुआ करता था। अगला है, महमूद बेगड़ा किस राज्य का प्रसिद्ध सुल्तान था? दोस्तों ये गुजरात का ही प्रसिद्ध सुल्तान था। बहमनी शासक को किस शासक ने चरम पर पहुंचाया था? तो दोस्तों महमूद गवां के समय बहमनी शासक अपने सर्वोच्च शिखर पर पहुंच गया था। बहमनी साम्राज्य के सबसे पहले कौन सा राज्य स्वतंत्र हुआ? तो दोस्तों बहमनी साम्राज्य से सबसे पहले बरार स्वतंत्र हुआ था। इसका अलावा है कि टोडरमल का पूर्वगामी कौन था? तो दोस्तों महमूद गवां जो है, जो बहमनी साम्राज्य के शासन में हुआ दोस्तों, ये एक शासक तो नहीं था दोस्तों, परंतु एक वजीर था और एक शासक के रूप में कार्य कर रहा था। इसके समय ही बहुत सारे महत्वपूर्ण सुधार किए गए इसको, और इसको टोडरमल का पूर्वगामी कहा गया है। टोडरमल जो है वो अकबर के दरबारी था।
अगला है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं कि अदीना मस्जिद कहाँ है। तो दोस्तों ये बंगाल में है। विजयनगर का प्रसिद्ध विट्ठल मंदिर कहाँ है। तो विट्ठल स्वामी मंदिर हम्पी में है। और ये विट्ठल स्वामी मंदिर का किसका है, भगवान विष्णु को समर्पित मंदिर है। अगला है, बहमनी साम्राज्य में सबसे अंत में कौन सा राज्य स्वतंत्र हुआ। तो बीदर सबसे अंत में और सबसे पहले बरार। प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल हम्पी किस जिले में है। तो दोस्तों कर्नाटक का जो बेल्लारी जिला है वहां पर स्थित है। अगला है, अभिनव भोज की उपाधि किस शासक ने ग्रहण की थी। तो दोस्तों कृष्णदेव राय ने अभिनव भोज, आंध्र भोज आदि उपाधियां ग्रहण की थी। तालिकोटा के युद्ध में विजयनगर का नेतृत्व किसने किया था। तो दोस्तों तालिकोटा के युद्ध में विजयनगर का नेतृत्व राम राय नामक एक छोटे से राजा ने किया था। ये कमजोर राजा था और ये पराजय हुआ था। अगला है, किस शासक ने वर वधु दोनों से कर लिया जाता था। तो दोस्तों विजयनगर साम्राज्य में वर और वधु दोनों से कर लिया जाता था शादी पर। अगला है, विजयनगर की मुद्रा का नाम क्या था। दोस्तों विजयनगर में जो मुद्रा चलती थी वो क्या कहलाती थी, उसको पेगोडा बोला जाता था। बहमनी राज्य की मुद्रा क्या थी। दोस्तों बहमनी राज्य की मुद्रा इस समय हूण थी। विजयनगर की पेगोडा और बहमनी की हूण। बहमनी शासन में कौन सा रूसी यात्री आया था। तो दोस्तों बहमनी शासन के दौरान जो रूसी यात्री इंडिया आया था वो कौन था, निकितिन। ये रशिया का था, वर्तमान रशिया जो है दोस्तों यहाँ से ये आया था मध्यकाल में। अगला है, बहमनी राज्य में कुल कितने शासक हुए। तो दोस्तों यहाँ पर कुल 18 शासकों ने शासन किया। हर विलासम की रचना किसने की थी। तो श्रीनाथ ने हर विलासम की रचना की थी। किस शासक ने दहेज प्रथा को अवैधानिक घोषित किया था। तो दोस्तों देवराय द्वितीय जो संगम वंश का शासक हुआ है, हमने देखा है, उसने ही दहेज प्रथा को अवैधानिक घोषित कर दिया था। किस शासक को जालिम शासक के रूप में भी जाना जाता है। तो दोस्तों बहमनी सुल्तान हुमायूं शाह जो है वो जालिम शासक के नाम से भी जाना गया है इतिहास में। तो दोस्तों ये थे विजयनगर साम्राज्य और उसके आसपास पूछे जाने वाले प्रश्न। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपकी सभी प्रकार की तैयारियों में आपकी सहायता भी करेगा। तो दोस्तों इसी के साथ ही आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आपको यदि ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करिए, कमेंट करके बताइए दोस्तों का आपको ये वीडियो कैसा लगा। आपके विभिन्न सजेशंस भी मित्रों कमेंट में आमंत्रित हैं। इसके अलावा दोस्तों जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का आप यूज़ करते हैं, व्हाट्सएप व्हाट्सएप फेसबुक टेलीग्राम इंस्टाग्राम, वहाँ पर भी अपने मित्रों के साथ इन वीडियोस को शेयर करिए। हमारे दोनों यूट्यूब चैनल स्टडी विथ जीडी और एवरी एग्जाम दोनों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि जैसे ही कोई भी नया एजुकेशनल वीडियो अपलोड हो तो आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और किसी भी अपडेट को आप मिस ना करें। तो दोस्तों वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।